काबीना आज खसूसी इजलास में मिनी बिल की मंजूरी देगी। मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बिल की मंजूरी मुतवक्के। मंजूरी के बाद बिल को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 पेश करेंगे। तफ़ावुत दूर करने के लिए पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के इजलास भी तलब। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक कौमी सलामती से है। कायदे हिज्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई का दौर हुकूमत बे इंतजामी खराब गवर्नेंस के बायस बदतरीन है। बयान में कहा शहरी इससे पहले कभी इतने मायूस नहीं हुए। फैसले से सूरत हाल के मुआशी सलामती पर असरात पड़ेंगे। पंजाब में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इजलास में वज़ीर आला पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुतालिक उमूर पर तेज़ी से अमल की हिदायत। उस्मान बुज़ार का कहना था कि पंजाब को हायर एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं। पंजाब बदल रहा है, तालीमी इनकलाब दस्तक दे रहा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। जीटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों में फासला रखने की हिदायत। तरमीमी बिल के जरिए मिनी बजट से 360 अरब का टैक्स असना खत्म किए जाने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल पर हर माह ले भी 4 रुपए तक बढ़ाकर इसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने का खदशा। मोबाइल फोन कॉस्मेटिक्स दरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का खदशा। स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा। कराची में रात के कानून नाफिज़ करने वाले इदारों की कार्रवाई। DGKDA आसिफ मेमन गिरफ्तार। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड आतिफ लंबा और एडिशनल डायरेक्टर रिकवरी शेख फरीद भी गिरफ्तार। तीनों मुलजमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में नामजद असिस्टेंट डायरेक्टर जुबैर फरार। कोरोना से मजीद 3 अफराद जहाँ बाद मौलिक वायरस से अमवात की मजमू तादाद 28,921 हो गई। 24 घंटों के दौरान 482 नए केसेज रिपोर्ट। 50,662 टेस्ट किए गए। मजबूत केसेज की शरह 0.95% रही। कोरोना के 639 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। लंडी कोथल में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों में तसादम। फायरिंग के तबादले में एक ही खानदान के 4 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। शिकारपुर में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। खातून समेत 2 अफराद जान भाग, 1 शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। और कराची पुलिस ने 9.5 पर हवाई फायरिंग करने वालों के निशानदेही के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। वीडियो या शिकायत मौसूल होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।